74वें गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह इंद्री की अनाज मंडी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। पुलिस एनसीसी के जवानों ने परेड में भव्य प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने पीटीसी सूर्य नमस्कार व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और मुख्य अतिथि ने अच्छे कार्य करने वालों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधु, प्यारे बच्चों, आज हम 17वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराने मेरे लिए बड़ी गौरव और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों का नमन करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की लंबी गौर कथा जुड़ी हुई है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उत्तम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सैनिकों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को निछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जवान जवानों को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें इस बात का विचार करने की आवश्यकता है कि आजादी के बाद हमने अपने स्वतंत्र सैनिक और संविधान के सपनों का भाग बनाने की दिशा में कहां तक सफलता हासिल की है। भाइयों बहनों, हमारे महान स्वतंत्रता सैनिकों के कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली है। तो वही दिन रात सदी से देश की सीमाओं की निगरानी करने वाले ये सैनिकों के कारण हमारी यह आजादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिकों बलों के जवानों की अंगा राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिए हैं। इसी प्रकार से आईटी ब्लास्ट में शहीद होने पर अंगा राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर हमने 50 लाख रुपए की है। युद्ध अथवा आतंकवादी से मुठभेड़ या किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अंगा राशि आधार पर बढ़ाकर 35 लाख रुपए से 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए की गई है। हमने शहीदों के 365 जवानों को सरकारी नौकरियां दी हैं। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री श्री मनोहर के नेतृत्व में मौजूद सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयास है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन में सुशासन के बल पर चलते हुए कई अनूठी पहल की है। प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर द्वार पर सरकार की योजनाएं या सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाएं या सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है।